कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अमेरिका दौरा भले ही खत्म हो चुका है, लेकिन देश में राहुल गांधी के दौरे को लेकर बवाल अभी भी जारी है। दरअसल राहुल गांधी ने अमेरिका में मोदी सरकार पर जमकर हमला किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह डाला था कि पीएम मोदी भगवान को भी बता सकते हैं कि क्या करना है, जिसके बाद से बीजेपी राहुल गांधी पर देश का अपमान करने का आरोप लगा रही है। इस बीच अब गुजरात में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि किसी भी नेता को शोभा नहीं देता कि विदेश में जाकर वो अपने देश को नीचा दिखाए। राहुल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकते, वो भारत का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। हर विदेश यात्रा में वो अपनी गलतियों को दोहराते हैं। अमित शाह ने राहुल गांधी को अपने पूर्वजों से सीखने की सलाह भी दे दी। उन्होंने कहा कि किसी भी देशभक्त व्यक्ति को भारत के भीतर ही देश की राजनीति पर चर्चा करनी चाहिए, ना कि विदेश जाकर। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा दुनिया भर में भारत को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन राहुल बाबा को ये याद रखना चाहिए कि देश की जनता उन्हें ध्यान से देख रही है। वहीं अमित शाह ने केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर अपनी पार्टी की उपलब्धियां भी गिनवाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में आतंकी हर दिन पाकिस्तान से भारत में प्रवेश करते थे और उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कुछ भी नहीं बोल पाते थे, लेकिन मोदी सरकार ने आकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की और पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों का सफाया किया। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।